आत्मनिर्भर भारत माननीय प्रधानमंत्री के संकल्प को साकार करती भारत की बढ़ती रक्षा उत्पादन क्षमता एक नई सोच एक नई प्रतिबद्धता से अपने आर्म्ड फोर्सेस का आधुनिकीकरण करने के लिए रक्षा उत्पादन के हर क्षेत्र में अग्रसर है। रक्षा उत्पादन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार ने निर्णायक कदम उठाए हैं। स्वदेशी इंडस्ट्री से खरीद को बढ़ावा देने के लिए पिछले दो वर्षों में 209 आइटम्स को पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट में शामिल करने की बड़ी पहल की है एवं बजट का 64% हिस्सा यानी 75,000 करोड़ सिर्फ स्वदेशी कंपनियों से खरीदने के लिए भी रखा गया है। भारत इंपोर्टर के स्थान पर अब एक्सपोर्टर बन रहा है। भारत सरकार की इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस स्कीम के अथक प्रयास से पिछले 3 सालों में 1,000 से भी अधिक स्टार्टअप नई टेक्नोलॉजीज को साकार कर रहे हैं और उनसे ड्रोन्स, एंटी टैंक मिसाइल्स आदि खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो आइटम पहले इंपोर्ट होते थे अब जब देश में ही बनने लगे हैं तो उनकी कीमतों में 50-80% की कमी हुई है। भारत की उड़ान में अब लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर फाइटर हेलीकॉप्टर शामिल हैं। अब भारत की गणना विश्व के उन चुनिंदा देशों में है जो 4th जेनरेशन फाइटर्स हेलीकॉप्टर्स एयरक्राफ्ट कैरियर्स सबमरीन्स मिसाइल्स और एडवांस्ड वेपनरी बनाने में सक्षम है। अपने राष्ट्र बल को आत्मनिर्भर रूप से सशक्त बनाने की ओर देश तेजी से अग्रसर हो रहा है और डिफेंस कॉरिडोर बनाना उसी दिशा में एक अहम कदम है जिसमें उत्तर प्रदेश की एक अहम भूमिका है। कॉरिडोर बनाने के कुछ ही महीनों में एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो टेफ एक्सपो 2020 आयोजित कर विश्व के डिफेंस क्षेत्र को लखनऊ में होस्ट किया। उत्तर प्रदेश ने बड़ी मात्रा में डिफेंस इक्विपमेंट बनाने की पहल की है। उत्तर प्रदेश में मात्र 2 साल में लगभग 4,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित हुआ है। कानपुर में डोर्नियर, अमेठी में AK-203 कलश्निकोव राइफल, लखनऊ में ब्रह्मोस और अलीगढ़ में 8 असॉल्ट राइफल्स ड्रोन्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के उत्पादन की नींव रखी जा चुकी है। इसी कड़ी में अब बारी है वीरांगना लक्ष्मीबाई की इस पावन धरती की। अब झांसी भी देश के सैन्य बलों को सशक्त करने में एक अहम भूमिका निभाएगा। अब झांसी में नए डिफेंस प्रोजेक्ट्स अंकुरित होने लगे हैं। राष्ट्र के सैन्य बल को सशक्त करने के साथ साथ झांसी के निवासियों को रोजगार भी प्राप्त होगा तथा यहां के कारोबार में भी वृद्धि होगी। इन सब कदमों से भारत रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर हो रहा है। नए भारत का उत्साह और प्रगति को देख दुनिया के अनेक देश अब हमारे साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। आने वाले वर्षों में यही संकल्प भारत को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ देशों की पंक्ति में गर्व से खड़ा करेगा और एक बेहतर संतुलित और संयमित विश्व बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा।